सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ अनदर शाइनिंग स्टार। और अभी मैं हूँ कैब में। गाइज, मैंने बिफोर शूट इसलिए नहीं लिया जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे काफ़ी ज़्यादा वाला लेट हो रहा था, दैट्स वाई। सो अभी हम जा रहे हैं दिल्ली नागलोई नफसगढ़, वॉट एवर इट इज, बेसिकली सर नागलोई न्यू दिल्ली। और वहाँ पे हम जा रहे हैं रूबी मेकओवर्स के यहाँ पे, एंड यहाँ वहाँ पे मेरा मेकअप क्रिएट होगा। एंड मुझे नहीं पता कौन सा मेकअप लुक होने वाला है। यहाँ पे मेरा खुद का मेकअप आर्टिस्ट बैठा हुआ है, एंड वहाँ पे भी हम मेकअप करवाने जा रहे हैं, बट प्रेम नहीं करेगा आपकी बार क्योंकि मैं ऑब्जर्व करूँगा। हाँ, प्रेम बस अभी मजे करेंगे, देखेंगे, आज फ्री है प्रेम छुट्टी से। सो अभी हम जाते हैं वहाँ पे और देखते हैं क्या लुक होता है, कौन सा हम लुक क्रिएट करवाते हैं और क्या क्या होता है, वो सब इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। सो लेट्स गो। सो हे गाइज, फाइनली अभी हम आ चुके हैं रूबी मेकओवर्स के सैलॉन में, एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, वो अभी रेडी हो रहे हैं। मैंने सोचा पहले मैं रेडी हो जाऊँ, फिर अमित जी को रेडी। हाँ जी, अब मेरी बारी है रेडी होने की। और अभी मैंने कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा लिए हैं जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैं ऐसे ही करा लेता हूँ अपनी आँखें, मेरे पे सूट कर रही है यार। हाँ, तो बेकार नहीं लग रही है। हाँ, बेकार तो बिल्कुल नहीं लग रही है। सो अभी यहाँ पे हम ये आउटफिट वगैरह आपको दिखाते हैं अभी थोड़ी देर में, एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड गुड बाय बाय। चलो अभी सैलॉन भी दिखाएंगे अभी पूरा, अभी तो अभी हम इधर बैठे हुए हैं, अभी फटाफट से धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। सो बने रहिए ब्लॉग। हाँ हाँ, मेरे को टैनिंग हो गई है, मैं कुछ बताओ ना, टैनिंग के लिए दिखा दो। टैनिंग के लिए डिटेन सीरम। डिटेन सीरम या फिर डिटेन करा लो? नहीं, डिटेन करा लो, अदरवाइज डिटेन सीरम दी बेस्ट। इनकी वीडियो देखते रहते ना यूट्यूब पे भैया मिल। हाय हाय। सो या गाइज, इसके बाद हुआ मेरा मेकअप, एंड यहाँ पे मेकअप होने ही जा रहा है। सो यहाँ पे स्टार्ट हो गया था मेकअप, यहाँ पे मेरा चल रहा था आई मेकअप, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल के आया था ये। एंड यहाँ पे उसके बाद सबने क्लिक्स कराए कुछ फ़ोटोज़, एंड आफ्टर दैट मैंने किया शूट यहाँ पे। एंड या अगेन हमने यहाँ पे काफ़ी सारे शॉट्स लिए, एंड मतलब कि इट्स अनकाउंटेबल शॉट्स हमने यहाँ पे लिए, अलग अलग डिफरेंट यू नो वॉलपेपर्स के यहाँ पे। सो यहाँ पे ये अभिषेक हैं, जारुल हमारी लाइट पकड़ी हुई, और जो अभी रूबी मैम आ चुकी हैं यहाँ पे, ये लाइट्स हैंडल कर रही हैं यहाँ पे। यहाँ पे अभिषेक ने लाइट पकड़ी हुई है, एंड या मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ पे। एंड या ये जो इसमें से निकल रहा है धुआं, ये बाद में जाके बहुत ज़्यादा गर्म भी हो गया था, बट या जो वीडियोस थी वो काफ़ी ज़्यादा सुपर्स आई। वीडियोस आप सबने देख ही ली होगी गाइस। सो या मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है यहाँ पे, और आगे आप देख ही रहे होंगे कि क्या क्या मैं। गाइस अभिषेक का नहीं, गाइस एज यू कैन सी देख सकते हैं आप यहाँ पे इनका रियल चेहरा। हाँ हाँ हाँ, अभिषेक का रियल चेहरा सामने। सॉरी मैं छोटी हूँ, मैं ऐसे बना नहीं पा रही हूँ। देखो गाइस ये क्या चल रहा है शूट करते हुए, पर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप ऐसे ही बढ़ा दीजिए। माफी चाहता हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया, मैं भी माफी चाहती हूँ। मैं इनको क्या बोला जाए, क्या कहते हैं, सखी सखी क्या देने की कोशिश कर रही हूँ, कौन सा रूप देने की कोशिश कर रही हूँ, सखी कही। और क्या भाई, सही तो है ना। एनीवेज बट ओवरऑल इट्स और ये है इनका फुल लुक, इन्होंने मेकअप भी कर रखा है, पता नहीं लग रहा शायद से आपको, वो उड़ चुका है देख लो। जो कि खो चुका है। ऑलरेडी हमारे सारे शूट्स हो चुके हैं, बट कुछ थोड़े बहुत चल रहे हैं, वो हम कर लेते हैं फटाफट से। दिल ना माने कैसे,
एंड या उसके बाद हमारा ये है लास्ट स्टेज जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब मेकअप बार बार उतारना। सो या ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है एंड बट इट्स ओके, अब लगाया है तो उतारना तो पड़ेगा ही। एंड या बहुत ज़्यादा अमेजिंग डे था एंड काफ़ी न्यू चीज़ें की यहाँ पे। एंड यहाँ पे प्रेम मेरा मेकअप रिमूव कर रहे हैं एंड या उसके बाद रिमूव करके मैं चले गया घर। सो आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर।